हेलो फ्रेंड्स, आई एम विपुल जोशी। आज हम आपसे शेयर करेंगे क्या इम्पोर्टेंस है आपके घर के डेकोरेशन की, आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सभी वीडियोस एनर्जी के ऊपर होते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एन एनर्जी। तो आप और आपका घर एनर्जी ही है। वास्तु की अगर हम बात करें तो कोई भी घर 100% सही नहीं होता, और अगर आपने कोई रेडीमेड फ्लैट परचेस किया है तो उसके वास्तु बेस होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आपके पास घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन ही एकमात्र विकल्प है। ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर आपने नया होम परचेस किया है और इसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग बाकी है तो हम आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे आप आपके घर को डेकोरेट कर सकते हैं और इस डेकोरेशन के मीडियम से आप घर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे। और दूसरा, अगर आपका घर टोटली कम्प्लीट है और आपके घर में आप कोई भी समस्या से परेशान हो तो घर की एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है वो हम आपको बता सकते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले एनालिसिस होता है कि होम की एनर्जी कैसी है और वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं या रहते हैं उनकी एनर्जी कैसी है, और जब घर और वहाँ पर रहने वाले लोगों की ऊर्जा का मिलन होता है तो उसमें से क्या बनता है। इस प्रोसेस में आपको आपकी समस्या का रूट कॉज पता चलेगा, जिसके ऊपर काम करके प्रोग्रेस पा सकते हैं। घर एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है इंसान के प्रोग्रेस के लिए, तो घर की एनर्जी को बैलेंस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।